नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं यूनिफ्लाई न्यूज। अगर बंगाल की भूमि को रणभूमि कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कभी संदेश खाली मुद्दे को लेकर यहां पर सियासी जंग दिखाई देती है तो कभी आरबीआई मुद्दे को लेकर। जी हां, 22 जनवरी आरबीआई के समीप टीएमसी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी टीएमसी तो कभी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर होती है। आज इसी क्रम में आपको बता दे, टीएमसी नेता वसीम अहमद के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक को चेतावनी दी। देखिए रिपोर्ट। को दिखाना चाहते हैं कि इस बार हम लोग कैनिंग स्ट्रीट में मौजूद है, जहां पर टीएमसी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली का मकसद ये है कि आने वाले 10 मार्च को जो ब्रिगेड होने वाली है, वो यहाँ पर जो असीम अहमद टीएमसी के नेता है, उनका कहना है कि उस ब्रिगेड के बाद अगर अन्य पार्टियों में भी उतना दम है तो वो इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाए। और साथ ही उन्होंने संतोष पाठक को चैलेंज करते हुए है कि सिर्फ 45 नंबर वार्ड से 10 तारीख को मैं 10,000 लोगों को इकट्ठा करूँगा। देखिए, उस दिन सुबह जब ये घटना घटी, मेरे पास तकरीबन 9:30 बजे खबर आए मेरे पास कि वहाँ तृणमूल और कांग्रेस के लोगों के बीच में कुछ रिजर्व बैंक के पास किसी एक बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए। मैं 10 बजे वहाँ स्पॉट पर पहुँचा सुबह में, तो उस समय मुझे पता चला कि संतोष पाठक जी जो वहाँ के काउंसिलर हैं, उनके समर्थक, और वसीम अहमद जो तृणमूल कांग्रेस करते और हमारे समर्थक हैं, वो तृणमूल यूथ के जिला के एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर भी हैं, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। तो मैं वहाँ गया। जब मैं पहुँचा तब तक बहुत भारी तादाद में वहाँ पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने बैरिकेड करके दोनों पार्टी के लोगों को एक एक तरफ समेट दिया था। मेरे जाने का मूल उद्देश्य ये था कि ये घटना रिजर्व बैंक के गेट पर घटी थी। घटना चाहे किस वजह से हुआ, कौन लोग वहाँ पर लाइन लगा कर रुपये बदलते हैं, ये बड़ा बाजार में सभी लोगों को पता है कि ये एक व्यवसाय है। पुराने नोटों को बदल करके नया नोट लेना, चूँकि रिजर्व बैंक में बिना किसी खर्चे के वो रुपये मिलता है, और ये लोग वो नए नोट बाज़ार में कुछ बट्टा पर या इस तरह से कुछ करके बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। ये लोग जो भी हैं, ये लोग ना कांग्रेस जो वहाँ पर लाइन लगाते हैं नोट बदलने के लिए, ये न तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं कि कांग्रेस के समर्थक हैं मुझे नहीं पता, मगर उनके साथ कुछ गलत हुआ या एक घटना हुई वहाँ, मारपीट की घटना। प्रशासन के लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने तृणमूल के जो भी लोग थे, वसीम अहमद के जो समर्थक थे, मैंने उन लोगों को समझा बुझा कर और पुलिस से मैंने कहा कि कानूनी रूप से इसमें जो कार्रवाई पुलिस को करनी है वो करे। दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे, दोनों लोगों ने ही अपना अपना FIR किया थाने में, दोनों ही तरफ के लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें जमानत मिली। और उसके बाद मेरे पास और कोई, आज तक कोई और जानकारी नहीं है कि उसके बाद और क्या घटना घट रही है। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले उसकी जानकारी हो कि वहां इतने 2000 के नोट अभी भी क्यों बदले जा रहे हैं, और जिनके बदले जा रहे हैं ये बात तो तय है कि जो लोग लाइन में लगाकर जो महिलाएं नोट बदल रही हैं, नोट उनका नहीं है, नोट किसी और का है। तो अगर इसके तह में प्रशासन जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है प्रशासन को एक बहुत बड़ा जीत मिले। ऐसे कुछ नोट का कालाबाजारी करने वालों को भी प्रशासन पकड़ पाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार का, इस रेवेन्यू लॉस को भी रोका जा सकता है। बंगाल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, जिसके लिए हम लोगों ने स्लोगन देकर के ये पार्टी छोड़ा था। जब UPA की सरकार थी तो वामफ्रंट का भी समर्थन था और बंगाल में वामफ्रंट के लोग कांग्रेस के लोगों को मार रहे थे, तो हम लोगों ने उस समय यही स्लोगन दिया कि दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, इस पार्टी के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, और हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया था। दीदी के राज्य में आज आप देखे होंगे, नंदीग्राम से लेकर सिंगूर से लेकर के कुछ बिहार तक सब जीतता है, लेकिन वार्ड 45 में हमारी पार्टी हार जाती थी। क्यों? क्योंकि पता है संतोष पाठक सबको खरीद लेते थे और हम बिकने का सौदा नहीं पसंद किए, हम उनसे बिके नहीं तो वो क्या किए, हमारे ऊपर अटैक करवाए। सुन लीजिए संतोष जी, हम हिंसा पसंद लोग नहीं है, हमें हिंसा पे पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि दीदी का जो हमारा विश्वास है कि हमारे बदला ना बदल चाहिए, तो हम लोग वो बदलने का कोशिश करते हैं। अगर हिंसा करना रहता तो 5 आदमी आपसे बात करने नहीं जाता, आप 100 लड़का लेकर के आए थे वहाँ पे झमेला करने। ये चीज का गवाह आपका ताजा TV का फुटेज है।
इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेटेड खबरों के लिए जुड़े रहिए यूनिफ्लाई न्यूज के साथ। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.